हेलो फ्रेंड्स, आज हम लो बैक पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लो बैक पेन कॉमन होता है, लगभग सबको होता है, ठीक है। तो जिनको लो बैक पेन सामने झुकने पर हो रहा है, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक टेस्ट कर लेते हैं लो बैक पेन के लिए। की तरफ झुकिए, इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते सामने की तरफ नीचे जाना है, वापस। अब पीछे की तरफ झुकिए, वापस। ज्यादा किस में पेन हो रहा है, सामने झुकने पर हो रहा है कि पीछे झुकने पर हो रहा है सबसे ज्यादा? अच्छा, ठीक है। तो आप बेड पे आ जाइए, सीधा लेट जाएं। घुटने के नीचे इस तरह से पिलो को रख लेंगे और घुटने से पिलो को प्रेस करना है 15 बार। दबाइए, जोर से दबाना है, 3 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4। चलो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनो, छोड़ देना। फिर दबाना है, दबा करके 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर इस तरह से 15 बार इस घुटने से दबाना है, 15 बार दूसरे घुटने से भी दबाना है। फिर एड़ी के नीचे रखना है तकिया को, और फिर एड़ी से दबाना है तकिया को। दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। इस तरह से यहाँ भी 15 बार दबाना है एड़ी से भी, और होल्ड करना है, ठीक है। आप दोनों घुटने के बीच में तकिया रखेंगे और दोनों घुटने से दबाना है, आपस में दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ें। इस तरह से दोनों घुटने के बीच में तकिया रख करके दबाना है 15 बार, ठीक है। ये घुटने के नीचे, एड़ी के नीचे, दोनों घुटने के बीच में रख करके 15 15 बार दबाना है, ठीक है। इसे दोनों पैर में, दोनों पैरों पर, पैरों में करना है। इसके बाद पैर सीधा करो, पंजा चलाओ, पंजा, दोनों पैरों को अब पंजा चलाना है 20 से 25 बार, पूरा ऊपर लाना है, पूरा नीचे ले जाना है। कंटिन्यू, पूरा ऊपर पूरा नीचे ले जाना है। वापस, इसके बाद दोनों पैर मोड़ लेना है,
हाथ बगल में रखना है। अब अपन ब्रीजिंग एक्सरसाइज करेंगे। कमर को ऊपर उठाना है और ऊपर और ऊपर उठाना है, वापस फिर वापस फिर वापस फिर वापस फोर उठाएं उठाएं, फाइव सिक्स और ऊपर उठाइए, सेवन एट नाइन टेन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है तो अभी शुरुआत में 10 बार करना है, धीरे धीरे इसको फिर बढ़ा करके 15 तक कर सकते हैं। अब इसके बाद रोलिंग एक्सरसाइज करते हैं। दोनों घुटनों को एक साथ बाहर की तरफ लाना है, दोनों घुटने को एक साथ बाहर की तरफ, फिर एक साथ अंदर की तरफ, वापस अंदर की तरफ, हाथ को साइड में रखेंगे, वापस अंदर, इस तरह से 10 बार ये रोलिंग करेंगे। अब जो ये मेन एक्सरसाइज है बैक पेन के लिए, ठीक है, तो जब अपन को फ्लेक्सन में पेन होता है, जब हमने टेस्ट किया था, अगर सामने की तरफ झुकने में ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हमें ये मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना जो अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर अपन पीछे की तरफ झुकने में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो अपन को फ्लेक्सन की एक्सरसाइज करनी होती है, मतलब कि मैकेंजी फ्लेक्सन एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। तो इनको फ्लेक्सन में पेन हो रहा, सामने झुकने में पेन हो रहा है, तो इसलिए इनको मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इस पोजीशन पे आ जाना है, दोनों कोहनी की मोड़ करके हाथ को प्लेस कर लेना है बेड पे प्रॉपर मोड़ करके, और इसके बाद शोल्डर को ऊपर उठाना है। शोल्डर ऊपर उठाइए जितना ऊपर उठा पाए, वापस। ये एक्सरसाइज 15 बार करनी है, 15 से ज़्यादा नहीं करनी, ना ही 15 से कम करनी। टू कंटिन्यू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, बस रिलैक्स। बस ये सारी एक्सरसाइज हैं, ब्रीजिंग, रोलिंग और बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, कॉफ की स्ट्रेचिंग, एंकल पंप एक्सरसाइज, ये 4-5 एक्सरसाइज हैं, इनको प्रॉपर करें। अच्छा, इस अगर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लो बैक पेन में हम क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।